हेलो नेव्स फैम, दिस इज़ नेव फ्रॉम नेव्स लाइफस्टाइल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं बाहर, तो मैं आपको ले चल रही हूँ साथ में। तो आज हमारे हैं थोड़े से काम, तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा, मैं आपको अपने साथ ले चलती हूँ। और एक तो हमें जाना है वॉलमार्ट और एक दो जगह और जाना है, तो आप मेरे साथ चलिए और देखिए हम क्या क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। तो जो आप सामने देख रहे हैं फ्लावर्स, ऑरेंज ऑरेंज पहाड़ों के ऊपर, उसे कहते हैं पॉपीज। तो जब भी अच्छी रेन होती है ये पहाड़ों पे आ जाते हैं। और जैसा देख सकते हैं आप, इतनी सारी भीड़, वो भी वीकडे के ऊपर, तो ये सारी जा रही है वही पॉपीज फ्लावर्स देखने। और वहाँ पे एक हाइकिंग है 7-8 माइल की, मैंने सुना है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है ये फ्लावर्स देखने के लिए। तो अब हम पहुँच गए हैं ड्रेस बान, ये है ड्रेस बान। तो अंदर मुझे जाना है, पेमेंट करना है और देखूँगी क्या मिल रहा है क्या, क्योंकि शायद अभी सीज़न, जनरली एक सीज़न आगे चलता है शॉपिंग में यहाँ पे। जैसे अभी ऑलमोस्ट स्प्रिंग आ गया है, तो समर के क्लोथ्स मिलते हैं। जब समर ऑलमोस्ट मिड में होता है तो फॉल के कपड़े मिलते हैं। तो देखती हूँ कि क्या मिलता है और इसके बाद करेंगे लंच, फिर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए, ये पहुँच गए हैं ड्रेस बान। मैं आप लोगों को अंदर नहीं ले जा रही हूँ, मैंने पहले दिखाया है, बट ये दूसरा स्टोर है, सो मैं अब अंदर जा रही हूँ। तो मेरी हो गई है थोड़ी सी शॉपिंग, और एक्चुअली ये शॉपिंग इसलिए भी हो रही है थोड़ी बहुत कि हम जाने वाले हैं वेकेशन, अभी नहीं जाने वाले हैं अर्ली मई में। और कहाँ जाने वाले हैं, एक्चुअली जाने वाले हैं 1 वीक के लिए, बट अभी नहीं बताऊँगी कि कहाँ जा रहे हैं, आप गेस करिए। तो हिंट ये है कि नेबर कंट्री है, बस मैं ये हिंट दे सकती हूँ। आप गेस करिए कि कहाँ जा रहे हैं, और आपने एग्जैक्ट गेस किया तो स्पेशल शाउट आउट मैं दूँगी उस पर्सन को। तो हाँ, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि इस समय वो कपड़े मिल जाएंगे, जो मतलब स्प्रिंग के कपड़े मिल जाएंगे, तो वो काम आ जाएंगे वहाँ के लिए। क्योंकि फिर एक बार समर के कपड़े मिलते हैं तो यहाँ पे फिर स्लीवलेस शॉर्ट स्लीव्स फिर वही मिलेंगे, तो अभी मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्प्रिंग। तो अब हम चलते हैं लंच और जाने वाले हैं चिपोतले, तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये हम पहुँच गए चिपोतले लंच के लिए, और ये एक मैक्सिकन प्लेस है जहाँ आपको टाकोस, ब्रिटोस, राइस बोल्स ये सब मिल जाता है। सो ये देखिए, मेरे पापा ने लिया है टाकोस और पानी, और इसके अंदर बीन्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है राइस बोल, और मेरा भी है राइस बोल जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल, लेटस, थोड़ा राइस, बीन्स, सावर क्रीम, ये सब है। तो अभी हो गया है हमारा लंच ख़त्म, और अब हम जा रहे हैं शायद इंडियन ग्रोसरी, देखते हैं कहाँ मिलता है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार सब्जियाँ हर बार नहीं मिलती। तो देखते हैं, चलते हैं, हो गया हमारा लंच ख़त्म जैसा कि आपने देखा, लेट्स गो। और ये आ गए हैं हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर। मैं अंदर नहीं ले जा रही हूँ आपको, बस थोड़ा सा ही सामान लेना था। तो हम पहुँच गए हैं हमारा ग्रोसरी स्टोर, ये छोटा सा स्टोर है, तो अभी आज मैं आपको अंदर नहीं ले जा रही हूँ, बट इनका एक सेक्शन खाना पीना मिलता है, चाट वाट और खाना, और दूसरा सेक्शन है इनका ग्रोसरी स्टोर। सो कभी कभी हमें पार्टी में ज़रूरत हो, या स्पेशली जैसे मुझे नॉन वेज लेना हो, क्योंकि मैं नहीं बनाती नॉन वेज, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट गेस्ट को अगर सर्व करने के लिए मुझे नॉन वेजिटेरियन डिश या कोई और चीज़ें, समोसे या ऐसी कोई भी चीज़ें चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर करती हूँ। तो इनका खाना मतलब काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। सो अब हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमें 2-4 चीज़ें चाहिए, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो आई एम हियर एट द वॉलमार्ट, लेट मी शो यू, आई विल फ्लिप द कैमरा एंड शो यू, इट्स वेरी बिग स्टोर, लाइक द वन विच इज़ इन दिस लोकेशन इज प्रीटी बिग, बट द वन विच इज़ मोर क्लोजर टू माई हाउस इज लिटल स्मॉलर देन दिस वन। ओह, मैं तो इंग्लिश में बात कर रही हूँ, सॉरी मैं भूल गई। तो हाँ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, घर का सामान, ब्यूटी,
सब कुछ बेसिकली। और इनकी एक नर्सरी भी सेक्शन है जहाँ पे आपको प्लांट्स वगैरह भी मिल सकते हैं, फर्टिलाइज़र और वो सब। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर और मैं ज़रूर ब्यूटी सेक्शन जाऊँगी क्योंकि मैं, और ये है वॉलमार्ट, मैंने आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, तो ये है वॉलमार्ट, कईयों ने सुना भी होगा वॉलमार्ट के बारे में। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलमार्ट। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं क्या खरीदते हैं, बट मैं ब्यूटी सेक्शन में ज़रूर जाऊंगी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वॉलमार्ट नहीं आई हूँ, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या क्या नया माल आया है। मुझे एक्चुअली देखना है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस का फाउंडेशन स्टिक, अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर लूँगी। और मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, मैंने लिप बाम लगाया था वो भी चला गया, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी जब घर से निकले थे। मेरे बाल पूरे उड़े हुए हैं क्योंकि आज काफ़ी हवा है, मौसम बहुत अच्छा है लेकिन हवा है। तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट के अंदर। जैसा कि मैंने बताया ये काफ़ी बड़ा स्टोर है और अभी मैं आपको ऑलमोस्ट सारा स्टोर घुमाऊँगी। जैसे ये थोड़ा बहुत बेकरी आइटम सामने आप देख रहे हो और राइट इन फ्रंट था वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह, तो यहाँ सब कुछ ही मिल जाता है। ये आ चुका है समर स्टफ और काफ़ी सारा पिकनिक का सामान होता है और कुछ ईस्टर का भी है क्योंकि ईस्टर आने वाला है। ये पहुँच गए हैं हम लाइट सेक्शन, यहाँ से हमने थोड़ी लाइट्स खरीदी हैं। तो यहाँ पे और भी लाइटें थी जो मतलब आप अपना फ्रंट यार्ड बैक यार्ड डेकोरेट कर सकते हैं, और जैसे ये भी हैं आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा महंगा है। और राइट साइड में जैसे ये सारा आप बैक यार्ड फ्रंट यार्ड सजा सकते हैं डिफरेंट लैम्प्स लाइट्स, और ये सारा बैक यार्ड फर्नीचर का स्टफ है जैसे कुशंस हैं और चेयर्स के ऊपर रखने के। ये पहुंच गए हैं हम वहाँ के गार्डन सेंटर और यहाँ पे आपको फ्रूट्स फ्लावर्स सीड्स जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स के सीड्स और बारबेक्यू जैसे मिल रहे हैं और इससे रिलेटेड सामान फर्टिलाइज़र और सॉइल और सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये है सीड्स, काफ़ी सारे वेजिटेबल के सीड्स हैं। अब हम गार्डन सेंटर से अंदर आ चुके हैं और ये था कपड़ों का सेक्शन, तो बच्चों के कपड़े बड़ों के कपड़े मेंस विमेंस सब कुछ मिल जाता है। और ये फाइनली पहुंच गए हम घूमते घामते ब्यूटी सेक्शन, उनका काफ़ी अच्छा था, ब्यूटी सेक्शन काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड लॉरियल रेवलॉन मेबेलिन नेक्स और सब कुछ था। यहाँ से बस मैंने एक फाउंडेशन खरीदा, ज़्यादा कुछ नहीं, और बाकी एक्सेसरीज कॉटन बॉल्स फेस मास्क ब्रशेस और देख सकते हैं आप आई लैशेस ब्यूटी स्पंज और सभी कुछ ये ब्यूटी सेक्शन में। थोड़ा ऑर्गेनाइजर स्टफ सनस्क्रीन ये सब कुछ मिल रहा था, ये सारा सेक्शन था ब्यूटी रिलेटेड। और ये देखिए ऑल मे का सेक्शन है, साथ में बर्ड्स पीस जो बाम्स के लिए बहुत फेमस है, लिपस्टिक्स भी हैं इनकी और ये बर्ड्स पीस ऑल में उसके साथ में, और बैक साइड में था मेबेलिन और रेवलॉन फिजिशियंस फॉर्मूला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे सोशल मीडिया लिंक्स हैं वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए ताकि वीडियो जब भी आए आपको पता चले। और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, जब तक बाय।